हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube लाइव के इस प्रसारण में। तो आज हम कृष्ण बुक, प्रभुपाद के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इसके प्रथम अध्याय पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। पहले हम विचार करें कि अवतरण क्यों, क्या भगवान को आवश्यकता होती है अवतरण लेने की, क्यों अवतार लेते हैं भगवान। तो पंचम स्कंद में इसके विषय में एक बहुत सुंदर श्लोक है, जहाँ पे कह रहे हैं कि रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान राक्षसों को मारने के लिए तो नहीं आते हैं, ये स्पष्ट है। राक्षसों को मारने के उद्देश्य से भगवान नहीं आते हैं, तब क्यों आते हैं? अपने भक्तों को अपना सानिध्य प्रदान करने के लिए आते हैं, अपनी सन्निधि अपने भक्तों को देने के लिए, उनके साथ लीलाएं करने के लिए, क्योंकि भगवान को बहुत अच्छा लगता है उनके भक्त जब उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान होता है, उनको भक्त प्रेम से कुछ खिलाते हैं। तो ये जो प्रेम का समन्वय है, प्रेम का जो सामंजस्य भगवान अपने भक्तों के साथ स्थापित करते हैं, इसके लिए भगवान आते हैं। तो भगवान के आने का जो मूल कारण है वो यही है कि भगवान अपने भक्तों के साथ समय बिताने के लिए, उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। रक्षो वधायैव न केवलम, राक्षसों को मारने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है, वो ऊपर बैठे बैठे ही अपने लोकों में बैठकर ही राक्षसों का विनाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर कह रहे हैं कि एक बार यह संसार ऐसे राजाओं की अनावश्यक सैनिक शक्ति से बोझिल हो गया। कैसे राजा? अनीतिपूर्ण कार्य करने वाले। श्रीमद् भागवतम में कई ऐसे राजाओं का वर्णन है, जैसे कि राजा वेन, ऐसे राजा जिन्होंने घोषणा अपने राज्य में करवा दी थी कि यज्ञ दान इत्यादि ये सब कार्य नहीं होने चाहिए, और जो ब्राह्मण ऐसा करेंगे मैं उनको मृत्यु दंड दूंगा। तो ऐसे दुष्ट राजाओं, अनीतिपूर्ण कार्य करने वाले राजाओं की वजह से ये जो पृथ्वी है ये बोझिल होती है। तो ये जो पृथ्वी है, आखिर इस पे किसका बोझ पड़ता है? बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत जनसंख्या बढ़ गई, पृथ्वी का बोझ बढ़ गया है, तो पृथ्वी की जनसंख्या को लेवल में लाने के लिए, यानी कि अच्छे सही स्तर पे लाने के लिए भगवान आते हैं, या इस प्रकार की जो बीमारियां हैं, जैसे अभी पेंडेमिक COVID-19 कोरोना, लोग कहते हैं बहुत से ऐसा कि ये जो आती हैं महामारियाँ, ये सब इसीलिए आती हैं कि पृथ्वी पे जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, बोझ बहुत बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए इस तरीके की महामारियाँ इत्यादि होती हैं, जिससे कि पृथ्वी का बोझ कम हो। किंतु यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, पृथ्वी पर कभी भी जनसंख्या का बोझ नहीं बढ़ता है। पृथ्वी को हम क्या कहते हैं? माता, धरती माता। तो जो माँ है उसको अपनी संतान बोझ कैसे लग सकती है? एक माँ को अपनी संतान बोझ कैसे लग सकती है? तो यहाँ पर हमको समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी पर बोझ किन चीजों से बढ़ता है, वो क्या चीजें हैं जो पृथ्वी पर बोझ का कारण बन जाती है। पृथ्वी पर बोझ बनता है असत्य, पाप, अनाचार, ये सब है पृथ्वी पर
बोझ बढ़ने के मुख्य कारण, इनकी वजह से पृथ्वी पर बोझ बढ़ता है, अर्थात असत्य। और असत्य, ये सभी जो अनीतिपूर्ण कार्य करने वाले राजा हैं, ये सब असत्यभाषी हैं। तो ऐसे अनीति करने वाले, पापाचार करने वाले, दुष्कृत्य करने वाले राजाओं की वजह से पृथ्वी पर बोझ बढ़ जाता है। हम समझ गए कि पृथ्वी पर बोझ किस प्रकार बढ़ता है। तो ऐसे असुर थे सभी, जो भी राजा थे ये सब असुर थे। तो सारा संसार उन असुरों के दुष्कृत्यों से, उनके अनाचारों से, अत्याचारों से क्लांत हो गए, दुखित हो गए थे। और पृथ्वी की जो देवी है, जो भूमि माता है, भू देवी जिसको कहते हैं, भू देवी जो है वो गौ माता का रूप धारण करके कहाँ गई? ब्रह्मा जी के समक्ष, आसुरी शक्तियों से क्षुब्ध होकर, विक्षुब्ध होकर के ब्रह्मा जी के पास गौ माता का रूप बना करके पृथ्वी पहुंची। तो आंखों में बिल्कुल अश्रु भरे हुए हैं, इतना ज्यादा दुखी है भू देवी। और शोकाकुल होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही हैं, और भगवान की करुणा को जगाने के लिए प्रार्थना कर रही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब ये सब सुना तो वो भी बहुत दुखित हो गए, और तुरंत वे क्षीर सागर के लिए चल पड़े। वहां भगवान विष्णु, शेषशायी भगवान श्रीमन्नारायण जगन निवास, क्षीरोदकशायी विष्णु जिनको कहते हैं, वो निवास करते हैं। तो वहां जाकर के ब्रह्मा जी अकेले नहीं गए, उनके साथ सभी देवी देवता इत्यादि सब सम्मिलित हैं। शिव जी हैं, इंद्र चंद्र इत्यादि जो भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब ब्रह्मा जी के साथ, शेषशायी भगवान, क्षीर सागर में निवास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण के पास प्रस्तुत हुए हैं। तो भू देवी भी उनके साथ वहां पर है। और क्षीर सागर के तट पर आकर ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति आरंभ की है। भगवान जिन्होंने सबसे पहले जो रूप लिया था वो कौन सा था? वराह। क्यों लिया था? पृथ्वी के लिए। तो ब्रह्मा जी स्मरण करा रहे हैं भगवान को कि हे भगवान, आप जो सबसे पहला रूप धारण किए थे वो है वराह, और आपने वो रूप लिया था पृथ्वी के लिए। तो जब आप पृथ्वी के लिए इतना अद्भुत रूप धारण कर सकते हैं, तो अब पुनः पृथ्वी पर एक बड़ा संकट आ पड़ा है जिसका निवारण आपको ही करना होगा। तो वैदिक मंत्रों में जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति सभी देवी देवता उस समय करने लगे। तो कह रहे हैं कि जब भी किसी लोक में कोई उपद्रव होता है, तो उस लोक का जो अधिष्ठाता देव, इस ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा के पास जाता है, जा सकता है। और ब्रह्मा जी भी परमेश्वर विष्णु के पास जा सकते हैं, किंतु वे वही प्रत्यक्ष दर्शन नहीं, अपितु क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं। क्षीर सागर में सबको एंट्री नहीं मिलती इतनी आसानी से, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान के अंश हैं, उनके यद्यपि सभी हैं, किंतु ब्रह्मा जी को फिर भी भगवान का दर्शन सुलभ हो जाता है, किंतु सभी देवी देवताओं को इतना आसानी से भगवान का दर्शन सुलभ नहीं होता है। तो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत जो श्वेत द्वीप है,
श्वेतद्वीप नामक एक लोग है जिसमें क्षीर सागर है। तो यहां हम समझे कि क्षीर सागर जो है भागवतम में पंचम स्कंद में बहुत सुंदर वर्णन है कि मनु महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, सबसे बड़े पुत्र प्रियव्रत, वे प्रियव्रत जब सृष्टि करने के लिए उनको कहा गया कि अब आप भी सृष्टि करने में सहायता कीजिए, तो प्रियव्रत महाराज उस समय सबसे पहले उन्होंने देखा कि आखिरकार ये जो अंधेरा होता है ये क्यों होता है रात्रि में, ये रात्रि क्यों होती है। तो रात्रि ना हो इसके लिए प्रियव्रत महाराज ने देखा कि सूर्य किस दिशा से अस्त हो रहे हैं, उस दिशा में अपने उस स्वर्ण रत्न जड़ित रथ को लेकर के चल पड़े। तो उनके रथ के पहियों से, जो उनके रथ के पहियों के चलने की गति, उससे सप्त समुद्र और द्वीपों का निर्माण हुआ। तो अलग अलग द्वीप हैं, श्वेत द्वीप है, हरिवर्ष द्वीप है, ये भारतवर्ष है, किम पुरुष वर्ष है, इस प्रकार से अलग अलग वर्ष हैं। तो उनमें से एक है श्वेत द्वीप। तो विविध वैदिक वाङ्मय से हमको ये ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस लोक में लवण सागर है, मतलब हम सब देखते हैं कि यहाँ जो पृथ्वी लोक पे जो भी समुद्र है उनका जल बहुत खारा है, नमकीन है, उसमें लवण है, यानी कि नमक की मात्रा है उसमें, कि नमक वहीं से उत्पन्न होता है, समुद्र से ही नमक निकाला जाता है। तो उसी प्रकार अन्य लोकों में भी अनेक प्रकार के तरल सागर हैं, अलग अलग लोकों में अलग अलग सागर है। कहीं क्षीर सागर है तो कहीं तेल का सागर है और कहीं सुरा का सागर, अलग अलग द्वीपों में अलग अलग वर्षों में अलग अलग पदार्थों के सागर हैं, अन्य अन्य प्रकार के सागर हैं। तो पुरुष सूक्त ही वह आदर्श प्रार्थना है जिसे देवतागण क्षीरो दक्षाय भगवान को प्रसन्न करने के लिए पढ़ते हैं। तो सभी देवी देवताओं ने उस समय क्या किया, क्षीरो दक्षाय जो विष्णु हैं उनको पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो क्षीर सागर में शयन करने के कारण वे क्षीरो दक्षाय विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि क्षीर सागर में निवास करते हैं ना, इसलिए। तो इन्हीं से ब्रह्मांड के जो सारे अवतार हैं वो प्रकट होते हैं। इस प्रकार से तो हम देखें यहाँ पर सबसे पहला जो अवतार है क्या है, वराह अवतार। कहाँ से आया, विष्णु से, क्षीरो दक्षा विष्णु से। और इसके अलावा नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये सभी अवतार कहाँ से आते हैं, क्षीरो दक्षाय विष्णु से आते हैं। किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण पूर्ण रूपेण भगवान है, कृष्ण किसी का अंश नहीं है, किसी का अवतार नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यहाँ तक कि क्षीरो दक्षाय विष्णु भी उन्हीं से आते हैं, बहुत बड़ा एक परंपरा, एक चक्र है, उसको हम समझ सकते हैं कि सबसे पहले हैं कृष्ण, कृष्ण से हैं, कृष्ण के बाद हैं बलराम, उसके बाद है वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इत्यादि, वो सब क्रम चलता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो संकर्षण जो है उनसे ये विष्णु आते हैं। तो कृष्ण बहुत ऊपर है, कृष्ण तत्व जो है उसको समझना इतना सरल नहीं है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में जो विष्णु हैं वही सर्वे सर्वा भगवान है, किंतु
यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि असल स्रोत क्या है। कृष्ण भागवतम में श्रील प्रभुपाद ने कई जगह इस बात को स्पष्ट किया है, कई अध्यायों के माध्यम से, कि सभी अवतारों के अवतार कृष्ण है। सोर्सेस ऑफ ऑल इंकारनेशन, कृष्ण इज द सोर्सेस ऑफ ऑल इंकारनेशन, यानी कि कृष्ण सभी अवतारों का मुख्य है, मूल है, ये हमें समझना है। तो इस प्रकार से जब पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति की गई भगवान की, यानी कि विष्णु की, सभी देवी देवताओं के द्वारा, किंतु उनको फिर भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। अतः ब्रह्मा जी जो हैं वो स्वयं ध्यान करने बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, हम ध्यानस्थ हो गए, बिल्कुल आंखें बंद करके एकदम ध्यानस्थ हो गए। तो भगवान विष्णु ने वहां, यानी कि ब्रह्मा जी के ध्यान में, उनकी समाधि में, उनको एक संदेश दिया कि वसुदेव ग्रहे साक्षात, वसुदेव जी के ग्रह में साक्षात मैं, या यूं कहें मेरे भी जो स्रोत है, जहां से मैं आता हूं, मेरे स्रोत यानी कि कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण, मूल हम सबके, वो आएंगे वसुदेव के घर। तो ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए सुन करके, और ब्रह्मा जी ने वो संदेश सबको दिया, सभी देवी देवताओं सबको सुनाया, पृथ्वी को, सबको। तो ब्रह्मा ने इस संदेश को सबको दिया, और वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। क्या विधि है? भगवान से पहले ब्रह्मा को आया ज्ञान, चतुश्लोकी भागवत, सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को दी, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने वही चतुश्लोकी वेदव्यास को दी, वेदव्यास ने 18,000 श्लोकों में उसको परिणित करके उसको विस्तारित कर दिया। तो यहाँ प्रभुपाद उसी परंपरा विधि की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान ने ऐसे ही सबके सामने चिल्ला करके नहीं बोल दिया, पहले ब्रह्मा जी को अपने बारे में बताया कि मैं इस प्रकार से आऊंगा अवतार लेकर के, या मैं स्वयं आऊंगा। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है प्रारंभ में कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि बोलते हैं ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी के हृदय में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में आदि कवि, ब्रह्मा जी के हृदय में उस ज्ञान को स्थापित किया। किसने? भगवान ने। सर्वप्रथम वो ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में बैठाया, ब्रह्मा जी के हृदय में उस ज्ञान को रोपित किया भगवान ने। चतुश्लोकी हम सभी जानते हैं, बहुत सुंदर 4 श्लोक हैं, उसमें भगवान ने अपने स्वरूप का पूर्ण रूपेण वर्णन किया है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि उसी प्रकार यहाँ भी केवल ब्रह्मा ही भगवान विष्णु द्वारा प्रेषित संदेश को समझ पाया, और उन्होंने तुरंत कार्यवाही के लिए देवताओं को प्रसारित कर दिया। क्या हुआ फिर आगे कि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में वो संदेश दिया कि मैं स्वयं वृष्णिवंशी वसुदेव जी के घर पुत्र बनकर आऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने वो जैसे ही प्राप्त किया संदेश, तो सब देवताओं को काम पे लगा दिया, चलो आप जब जो भी सब देवी देवता हैं भगवान की लीला में सहयोग देना चाहते हैं, वो जाएं, जाकर के ब्रज मंडल में अपने अपने अंशों से जन्म लें। सभी देवी देवताओं को आदेश दिया, जिस जिस देवी देवताओं को भगवान की जिस प्रकार से लीला में सहयोग करना है, आप अपने अपने अंशों से वहां जन्म लीजिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, पांडव भी देवी देवताओं के ही अंश हैं, स्वयं युधिष्ठिर धर्मराज यमराज के अंश हैं, भीम पवन देवता के अंश हैं, अर्जुन इंद्र के अंश हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो सारा परिकर है भगवान का, भगवान का जो पूरा, मतलब कहना चाहिए कि जो परिवार भी है उनका,
या तो उनकी लीला में जो जो सहयोगी है वे सभी देवी देवता हैं। शिशुपाल दंतवक्त्र उनके खुद के पार्षद हैं, उनके परिकर के हैं, जय विजय। अभिमन्यु चंद्रदेव का अंश है। द्रौपदी अग्नि का अंश है। इसी प्रकार से सभी देवी देवता अपने अपने अंश से भगवान की उस लीला में सहयोग करने के लिए, सहभागिता देने के लिए अपने अपने अंशों से वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सबको लगा दिया काम पे। तो ये संदेश इस प्रकार से था कि भगवान शीघ्र ही अपनी परम शक्तियों सहित पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और जब तक वे पृथ्वी लोक में असुरों के संहार तथा भक्तों के संस्थापन का उद्देश्य पूरा करने के लिए रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहीं रहना होगा। अब हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसको समझते हैं कि जैसा कि कोई नाटक मंडली है, तो कोई नाटक मंडली को कोई किसी जगह पे निमंत्रण दे कि आपको फलानी जगह पे जाकर के एक नाटक प्रस्तुत करना है, उस जगह पर जाकर के आपको एक नाटक प्रस्तुत करना है, तो क्या करेंगे? वो अपनी मंडली खुद ही लेकर आएंगे, या जहां पर जाएंगे वहां लोगों को पकड़ पकड़ के बोलेंगे कि तुमको ये बनना है, तुमको वो बनना है, तुमको हनुमान का चरित्र करना है, तुमको रावण बनना है? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। अपनी मंडली तैयारी पूरी करके निकलेंगे जहां से भी निकलेंगे। इसी प्रकार से भगवान आ रहे हैं अपनी लीला करने के लिए, नाटक दिखाने के लिए, तो नाटक मंडली को साथ ही लेकर आएंगे ना। ऐसे तो नहीं कि अकेले उठाएंगे, अपने साथ में अपने पूरे परिकर को लेकर आए हैं भगवान। उनकी माता यशोदा, उनके पिता नंद बाबा, ये वसु हैं, विद्याधर नाम के वसु हैं। बहुत तप किया था इन्होंने, यशोदा माता ने और नंद बाबा ने पूर्व जन्म में। तो इन दोनों वसुओं को भगवान ने अपनी इस लीला में माता पिता की भूमिका निभाने के लिए चुना कि आइए आप दोनों को यहाँ मेरे माता पिता का रोल प्ले करना है, पार्ट प्ले करना है। हाँ, और इसी प्रकार से वसुदेव देवकी, ये पहले बहुत तपस्या किए थे किसी समय में, तब भगवान ने इनको वरदान दिया था। भगवान से इन्होंने पहले वरदान मांगा था कि आपके जैसा पुत्र हमको प्राप्त हो। तो यहाँ पर भगवान ने उनको वरदान दिया था कि मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, इसलिए मैं खुद आपके घर पुत्र बन के आऊंगा। तो पुत्र बनकर भगवान ने आने का निर्णय किया, निश्चय किया, और उनको वरदान दिया। तो उस वरदान में भगवान कह रहे हैं कि मैं 3 जन्मों में आपके घर पुत्र बन के आऊंगा, 3 बार जन्म लेकर मैं देखूंगा कि मेरे जैसा मैं हूं या नहीं। भगवान ही, ठीक है, तो यहाँ हमको समझना है कि भगवान के जैसे भगवान ही है, तो भगवान ने 3 जन्मों में आने का उनको वरदान दिया। तो पहले सुतपा और प्रश्नी के घर में प्रश्नी गर्भ बनकर भगवान आए, और दूसरी बार कश्यप अदिति के घर में वामन बनकर आए, और तीसरी बार वसुदेव देवकी के घर कृष्ण बनकर आए। तो ये भी कोई बहुत तपस्वी रहे होंगे पूर्व जन्मों में, जिनके घर भगवान इस प्रकार से आए। तो वही कहने का तात्पर्य है कि भगवान अपना परिकर साथ में लेकर चलते हैं सब समय। जब भी कोई लीला उनको निभानी होती है तो अपने परिकर, हम साधारण शब्दों में समझें, श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं का प्रकाशन करने के लिए, अपनी लीलाओं को दिखाने के लिए, तो क्या वो अकेले आए थे? नहीं, अपना पूरा परिकर साथ में लेकर आए हैं। हम पंच तत्व को देखें, उनके महाप्रभु के दाहिनी तरफ जो खड़े हैं नित्यानंद प्रभु, कौन है?
साक्षात बलराम है। बलराम के जो दाएं खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु के दाएं, अद्वैत आचार्य हैं, महाविष्णु के अवतार हैं। महाप्रभु के बाएं जो गदाधर पंडित खड़े हैं, वो साक्षात श्रीमती राधा रानी का अंश है। और उनके बाएं जो खड़े हैं श्रीवास पंडित, साक्षात श्री नारद जी महाराज हैं। तो क्या भगवान अकेले आए हैं लीला करने के लिए? नहीं, अपने परिकर को साथ में लेकर आए हैं, अपनी नाटक मंडली को साथ में लेकर आए हैं। मुरारी गुप्त हनुमान जी महाराज हैं। इस प्रकार से सब पूरा परिकर भगवान अपना साथ में लेकर आते हैं। तो यहाँ इसीलिए ब्रह्मा जी ने सबको काम पे लगा दिया कि जिस जिस को भगवान की लीला में सहभागिता करनी है, अपने अपने अंशों से अवतार ले ले। तो इस प्रकार से उन्हें तुरंत उस यदुवंश में जन्म ग्रहण करना होगा जिसमें यथासंभव भगवान, यथा समय भगवान भी प्रकट होंगे। तो देवी देवताओं को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सब यदुकुल में जन्म, क्योंकि भगवान भी उसी पवित्र कुल में यथा समय प्रकट होने वाले हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण के अवतरण संबंधी। अध्याय थोड़ा बड़ा है तो हम इसकी चर्चा अगले अंशों में भी कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होंगे। वसुदेव ग्रहे साक्षात कह दिया है भगवान ने कि मैं वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, और उनके प्रकट होने के पूर्व सारे देवी देवताओं को अपनी अपनी पत्नियों सहित संसार भर के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए प्रकट होना चाहिए। ये देखिए वही कह रहे हैं कि देवी देवताओं को ब्रह्मा जी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप सबको अवसर मिलेगा भगवान की लीला में सहभागिता करने का और भगवान के सानिध्य में रहने का, भगवान के निकट रहने का। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर तत्प्रियार्थम शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है कि देवी देवताओं को चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हो। तो ये सब जो कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये केवल उन देवी देवताओं के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है। तत्प्रियार्थम अर्थात उनको वैसा करना चाहिए जो कृष्ण को अच्छा लगे, कृष्ण को जो प्रिय हो हमको वैसा वैसा करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में कोई भी जीव जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही जीवित रहता है, वही बात बहुत सुंदर, जिसके जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रीति हो, कृष्ण की संतुष्टि हो, वह देवता है। प्रत्येक वो जीव जिसका जीवन कृष्ण प्रेम के लिए हो, देवताओं को यह जानकारी भी दी गई कि भगवान कृष्ण के अवतार के पूर्व पृथ्वी पर भगवान कृष्ण का पूर्ण अंश अनंत प्रकट होगा, जो अपने लाखों फणों से ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। तो अनंत यानी कि शेष भगवान, शेष नारायण, अनंत भगवान, इनके 1000 फण हैं, और 1000 फणों पर पृथ्वी कई कई ब्रह्मांडों का वो धारण किए हुए हैं, और उनके फणों पर पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, देती है जैसे कि एक पहाड़ पर एक राई का दाना। कितना दिखेगा एक राई का दाना एक पहाड़ पे? दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है राई का दाना, इस प्रकार से गायब हो जाएगा। उन्हें यह भी सूचित किया गया कि विष्णु की बहिरंगा शक्ति माया भी, जिसमें समस्त बद्ध जीव आकृष्ट होते हैं, परमेश्वर के आदेश के अंतर्गत उनकी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रकट होगी। कौन प्रकट होगी? बहिरंगा माया। यहाँ पे अंतरंगा शक्ति शक्ति का भी उल्लेख नहीं आ रहा है, यहाँ माया बहिरंगा शक्ति, जिसके अंतर्गत हम सब जीव आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सुंदर अलग अलग सभी देवी देवता
यथासंभव यथाशक्ति अपने अपने अंशों से भगवान की लीला में सहायता करने के लिए वृष्णि कुल में या तो सभी विश्व के सुंदर भक्त परिवारों में जन्म ले रहे हैं। समस्त देवताओं तथा भूमि को भी मधुर वचनों से आदेश तथा सांत्वना देने के पश्चात समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा जी अपने धाम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को चले गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दे दिया कि आपको अपने अपने अंशों से प्रकट होना है। उसके बाद सभी जो भी थे अपने अपने धाम चले गए, ब्रह्मा जी भी चले गए अपने ब्रह्मलोक को। यदुवंश का नायक राजा शूरसेन मथुरा प्रदेश, जिसमें मथुरा नगर आता है, यदुवंश शिरोमणि थे, उनका नाम था शूरसेन। तथा साथ ही शूरसेन नामक जनपद पर, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया था, शासन कर रहे थे। शूरसेन राज्य कर रहे थे। तो राजा शूरसेन के शासन के कारण मथुरा नगरी समस्त यदु राजाओं की राजधानी बन गई। मथुरा जो है वो यदुओं की राजधानी बन गई, क्योंकि यदु कुल शिरोमणि वसुदेव वहां निवास करते थे। एक बार शूरसेन के पुत्र वसुदेव देवकी को ब्याह कर अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। शूरसेन के पुत्र का नाम है वसुदेव और देवक महाराज की पुत्री का नाम है वसुदेव का जन्म हुआ है शूरसेन महाराज के घर में। अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ रथ पर चढ़कर अपने घर जा रहे थे। कौन? वसुदेव। देवकी के साथ विवाह हुआ और सुंदर पत्नी को लेकर के अपने घर जा रहे थे। तो देवकी के पिता देवक ने प्रचुर दहेज दिया, बहुत बड़ा दहेज देवकी के पिता यानी कि देवक महाराज ने शूरसेन को दिया है। क्षमा कीजिए, वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ है और कंस उनको लेकर के जा रहा है अपने साथ में, रथ में बैठा करके छोड़ने के लिए। बहुत बड़ा दान देवक महाराज ने दिया है अपनी पुत्री देवकी को। और इस प्रकार से देवक महाराज ने बहुत कुछ दहेज दिया, विवाह संपन्न हुआ और कंस उनको छोड़ने के लिए घर तक रथ चलाकर ले जाने के लिए आतुर हैं। रथ पर जैसे ही आरूढ़ हुए और महल से थोड़ा बाहर निकले ही थे कि आकाशवाणी हो गई कि जिस देवकी को तुम इतने प्रेम से ले जा रहे हो छोड़ने के लिए, उसी देवकी का अष्टमक गर्भ तुम्हारा विनाश करेगा। तो घबरा गया बिल्कुल कंस। तो आगे कंस क्या करता है, इस सब के विषय में हम अगले अंश में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।